वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट स्टार्ट आर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर फ्रॉम फ्रैंक एक्सपीरियंस क्लास 8 बुक। सो फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देख ले, उसमें इंट्रोडक्शन है फोर्स का। ना इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट है हमने देखा था। जो फोर्स होता है वो कॉज होता है। अब उसके इफेक्ट्स क्या हैं? दो द फोर्स कैनॉट बी सीन, इट कैन बी जज्ड बाय द इफेक्ट्स इट प्रोड्यूसेस इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कितना फोर्स लगा है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम जज कैसे करते हैं? अगर बॉल ज़्यादा दूर गई इट मीन्स ज़्यादा फोर्स लगाया था, कम दूरी गई इट मीन्स कम फोर्स लगाया था। तो हम कैसे जज करते हैं? जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? नंबर वन है, मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को ये मूव कर देती है फोर्स से। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट कैन बी मूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो रुके हुए हैं वो चलने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल एट रेस्ट विल बिगिन टू मूव व्हेन सम पुश और फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कि अगर बॉल कहीं रुकी है, रखी हुई है, तो वो मूव करने लग जाएगी अगर उसको पुश करेंगे या कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली द फोर्स ऑफ एन इंजन मेक्स अ स्टेशनरी कार और बस अ मूव। इसी तरीके से कार और बस में जो इंजन होता है वो उसको चलने में हेल्प करता है। अब क्या है, स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड। कोई मूव है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अ मूविंग फुटबॉल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अगर फुटबॉल को एक बार आपने पुश कर दिया तो ग्राउंड पे थोड़े दूर जाकर वो रुक जाएगी। तो ये क्या हो गया कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रुक रहा है। इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फुटबॉल स्टॉप द मूविंग फुटबॉल। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो फोर्स दिया वो धीरे धीरे जाके वो रुक क्यों गई, वो आगे चलती ही क्यों नहीं रही? क्योंकि दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होता है जब, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। जब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हो तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरीके से तो जो फुटबॉल है जब वो प्लेन पे या ग्राउंड पे चल रही होती है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन का जो फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी ऑब्जेक्ट की ऑलवेज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्पीड भी कम हो जाती है और जो बॉल है वो आगे जाके रुक जाती है। ठीक है, सो रीज़न क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फुटबॉल स्टॉप द मूविंग बॉल। नेक्स्ट इज चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पर फोर्स लगा देंगे, अगर उसके डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मूविंग बाईसाइकिल इज पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड। अगर आप साइकिल चला रहे हो, आपके पेरेंट्स आते हैं आपकी हेल्प के लिए, पीछे से पुश करते हैं, तो आपके बाईसाइकिल की स्पीड बढ़ जाती है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। हाउएवर, इफ द मूविंग बाईसाइकिल इज पुल्ड फ्रॉम बिहाइंड, अगर पीछे से कोई खींच ले आप चला रहे हो, तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल डिक्रीजेज एंड इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोअर, और वो धीरे मूव करने लग जाएगी। सो अ पुश और अ पुल, जो कि एक फोर्स है, कैन ऑल्टर द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने चलती हुई चीज़ को रोक दिया, रुकी हुई चीज़ को चला दिया, और जो चल रही थी उसकी स्पीड को चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी दी है, टू शो द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ स्टेशनरी और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रुका भी हुआ है और दूसरी केस में वो मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट आता है। सो मटेरियल रिक्वायर्ड, अ रबर बॉल ले ली, एक फ्लैट टेबल टॉप ले लिया। तो टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल टॉप, नेक्स्ट पुश द बॉल जेंटली अलोंग द सरफेस। तो हमने फिर उसको रबर टॉप को आगे की तरफ पुश किया, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो हमने देखा कि जब हमने फोर्स लगाया तो वो बॉल जो थी, जो रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, वो मूव करने लग गई। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, पुश द बॉल अगेन, जब वो मूव कर रही है वापस से उसको पुश करेंगे, वाइल इट इज स्टिल मूविंग, तो क्या ऑब्जर्व होगा, द स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। व्हेन इट इज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसकी डायरेक्शन में हम पुश करा तो उसकी स्पीड बढ़ गई।
What will happen to the speed of the ball if the force is applied opposite to the direction of motion? Obvious है, कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी opposite साइड से हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड तो कम होगी. सो इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. उसी की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो स्पीड बढ़ेगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन दैन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज. तो जो स्पीड है वो कम होती है. ठीक है, नाउ चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगाने पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट जो आपने ज़रूर देखा होगा, द बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय स्ट्राइकिंग इट विद द बैट एट अ सुटेबल एंगल. तो जो बैट्समैन है उसकी तरफ जो बॉल आती है वो उसका एंगल चेंज करके वापस भेज देता है. इन द गेम ऑफ कैरम, इसी तरीके से कैरम में जो स्ट्राइकर होता है उसको रीबाउंड होता है, आगे से टक्कर मार के जब वापस आता है एज पे तो भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना. तो फोर्स लगने पे ही डायरेक्शन चेंज हो रही है. दिस हैपन्स बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ स्ट्राइकर. ओके, अब क्या कह रहे हैं, टू शो दैट द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन मोशन की चेंज होती है. उसका एक एग्जाम्पल है, एक रबर बॉल ले ली, एक रूलर ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक का, और एक टेबल टॉप ले लिया. टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज द स्मूथ टेबल टॉप. टेबल टॉप पे उसको रख दिया. नेक्स्ट पुश द बॉल जेंटली टू मेक इट रोल ऑन द सरफेस. जब उसको पुश करेंगे तो वो टेबल टॉप पे रोल करेगी. तो जब वो रोल कर रही होगी, प्लेस अ प्लास्टिक रूलर इन इट्स पाथ. तो जो हमने रूलर लिया है उसके रास्ते में रख देंगे तो क्या होगा, नोटिस दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस. डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द रूलर. कंक्लूजन, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. कि हम कोई फोर्स लगाएंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, नाउ चेंजेस इन शेप एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज होती है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस वैन अप्लाई द फोर्स टू स्क्वीज इट. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखते हो कि आप डेली ब्रश करते हो तो अपने टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी शेप भी चेंज होती है जब आप फोर्स लगाते हो. स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग ऑन फोर्स ऑन इट. जो स्पंज है उस पर आप फोर्स लगाते हो तो वो दब जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. द शेप एंड द साइज ऑफ बलून चेंजेस व्हेन इट इज़ फिल्ड विद एयर बिकॉज एयर एग्जर्ट्स फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द बलून फ्रॉम द इनसाइड. पहले बलून कैसा होता है, जब उसमें एयर फिल कर देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो बलून की जो अंदर की तरफ वॉल्स है उस पर फोर्स डालती है. ठीक है, नाउ टू शो दैट द फोर्स चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें एक एक्टिविटी की है, इसमें एक हल्का सा स्प्रिंग ले लिया, एक नेल मतलब जिसपे वो अटकाएंगे उसको, कील ले ली, और एक वॉल में ले लिया. टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड नेल इट ऑन अ वॉल. एक लाइट स्प्रिंग लेके उसको लटका दिया हमने दीवार पे. नाउ पुल द स्प्रिंग एट इट्स फ्री एंड. जो तो फ्री एंड है वहाँ पे उसको पुल करेंगे उस स्प्रिंग को. सो ऑब्जर्व करोगे बोथ द शेप एंड द साइज ऑफ द स्प्रिंग अंडरगोज अ चेंज. कि जो साइज है वो भी चेंज हो गया, शेप है वो भी चेंज हो गई. कंक्लूजन, द फोर्स अप्लाइड चेंजेस द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप बोथ चेंज होते हैं. ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, टाइप ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं. अब आप अभी तक फोर्स समझ गए होंगे कि क्या होता है, पुश होता है, पुल होता है, ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है ना. नाउ टाइप्स क्या है फोर्सेस के, देर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, नेमली कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. आपको नाम से समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट तो मतलब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होने पर ही वो फोर्स लगेगा. मैं जब तक बॉल को किक नहीं करूँगी वो मूव नहीं करेगी, तो ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब टच करने की ज़रूरत नहीं है तो भी फोर्स लगेगा. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नेट. तो आपने मैग्नेट में देखा होगा कि आप कोई भी आयरन की कोई चीज़ है,
मैग्नेट के पास लाते हो तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेती है, उसमें चिपक जाता है वो, तो मतलब कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो ऐसे फोर्सेस क्या हो गए? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। अंडरस्टूड, बेसिक चीज़ समझ आ गई, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में, दीज आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट है ना, इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया है। तो अब समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अ फोर्स कैन विच कैन बी एग्जर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज कब लगती हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है, मतलब टच होना ज़रूरी है, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहते हैं। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स, हम जो अपनी बॉडी यूज़ करते हैं, आर्म्स यूज़ करते हैं, तो मसल होती हैं, या एनिमल फार्म पे काम करते हैं तो वो भी अपनी मसल्स यूज़ करते हैं। एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो टच होके जो अभी हमने पढ़ा था, हाथों को रगड़ते हैं, तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज के। मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स एग्जर्ट बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज अ मस्कुलर फोर्स। वो फोर्स जो मसल्स क्रिएट करती हैं या एग्जर्ट करती हैं, उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स एग्जर्ट मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज सच एज जंपिंग, क्लाइंबिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, किकिंग, रनिंग एंड वॉकिंग। तो ह्यूमन बींग्स, ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ये करते हैं डेली, है ना, तो इन सब में मसल्स यूज़ होती हैं, तो ये क्या है? मस्कुलर फोर्सेज हैं। इवन एनिमल्स एग्जर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। इसी तरीके से एनिमल्स भी काम करते हैं मस्कुलर वर्क करने के लिए फार्मिंग में, है ना। नाउ वेरियस फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडीज आर कैरिड आउट ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द ऑर्गन्स। इसी तरीके से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक, इसोफेगस हो गया, इंटेस्टिन्स हो गई, इनमें भी मसल्स होती हैं जो कि फोर्स एक्सर्ट करती हैं काम करने के लिए बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल, आर हार्ट बीट्स बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस बाय द कार्डियक मसल्स। कार्डियक होता है हार्ट, तो कार्डियक जो मसल्स होती हैं उसी में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि जो हार्ट है वो बीट होता है, तो ये भी मस्कुलर फोर्स ही हुआ। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोजिज द मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नॉन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? जैसे ये एक बॉडी है, मतलब ग्राउंड है, उसके ऊपर बॉल जो है, उसके ऊपर ये बॉल जो है वो रोल कर रही है। अब धीरे धीरे ये आगे की तरफ जाएगी, ये टच हो रखी है, आगे की तरफ जाएगी तो रुक जाएगी, तो क्या होगा? ये पूरे टाइम टच होती हुई जा रही है, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये जो बॉडी है ग्राउंड, ये इसकी मोशन को अपोज करती है, रोकती है, ठीक है। तो द फोर्स विच अपोजिज द मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी, ठीक है, अपोज करती है मोशन को, इज नॉन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं, दो सरफेसेस जो हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड ऑटोमेटिकली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। अब जो बॉल है वो मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो अल्टीमेटली वो स्लो हो जाएगी, एंड में वो स्टॉप हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ग्राउंड और बॉल के बीच में। द फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग एंड स्टेशनरी बॉडीज। फ्रिक्शनली फोर्स ये सब पे एक्ट करता है, जो मूव कर रही है उन पे भी, जो रुकी हुई है उन पे भी। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, कि अगर ये डायरेक्शन मोशन की है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। फ्रिक्शनल फोर्स ये याद रखने वाली है, अपोजिट होती है इनकी एक्शन इनका, फोर्स का, ठीक है। नाउ कम टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, द फोर्सेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता विद द बॉडीज ऑन विच दे आर एक्ट, जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं, जिस पे वो फोर्स लगा रहे हैं, उन पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, दे एक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ऐसे फोर्सेज को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहते हैं। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, कि दूर से ही एक्शन हो रहा है,
तो ऐसे फोर्सेस को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कह देते हैं. नाउ मैग्नेटिक फोर्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया था मैग्नेट का. द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट इज नॉन एज द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. द मैग्नेट एग्जर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको अट्रैक्ट करती है इन चीज़ों को. When the magnet is brought near some iron pins, अगर magnet को iron pins के पास लेके जाया जाए, they get attracted towards the magnet. तो वो pins जो हैं वो attract होती हैं, magnet attract करती हैं. Even when the magnet is not in a physical contact with the pin, और जबकि वो contact में है ही नहीं physically, उसके बहुत दूर रखी है, बहुत दूर तो नहीं, एक range होती है magnet की भी, उसमें रखी है. So the magnet force can be said to be a non-contact अट्रैक्टिंग फोर्स. तो मैग्नेट को बोलते हैं कि कौन सा फोर्स है, वो नॉन अट्रैक्टिंग फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट अट्रैक्टिंग फोर्स है, कॉन्टैक्ट नहीं किया, जस्ट अट्रैक्ट किया. अ मैग्नेट ऑल्सो एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट प्लेस नियर इट. इसी तरीके से एक मैग्नेट है, उसकी रेंज में दूसरी मैग्नेट आ गई तो भी उसको अट्रैक्ट करती है. द मैग्नेट फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स प्लेस नियर वन अनदर कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स फेसिंग वन अनदर. अब आपने देखा होगा दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो या तो आपस में चिपक जाती हैं या एक दूसरे को मतलब रिपल्स करती हैं, एक दूसरे तरफ से दूर भागती हैं. आपने वो फोर्स भी फील किया होगा. तो ये डिपेंड करता है कि कौन से फेस एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन से पोल्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ठीक है, अगर ऑपोजिट पोल्स होते तो वो अट्रैक्ट होते हैं नॉर्थ और साउथ, और अगर सिमिलर पोल्स होते जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, वो रिपेल करते हैं. सो वी ऑलरेडी नो दैट द लाइक पोल्स, लाइक मतलब एक जैसे पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं. एंड द अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने सर्दियों में देखा होगा कि आप शैम्पू करते हो अपने हेयर को, है ना, कॉम्ब करते हो, तो कई बार कॉम्ब करने के बाद क्या होता है, जब अपने हेयर ड्राई होते हैं तो वो कॉम्ब पे चिपकने लग जाते हैं. तो वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, क्योंकि ये एक चीज़ को चार्ज हो गया जो कि उसको अट्रैक्ट करती है. एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट और अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया तो वो अनचार्ज या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको वो अट्रैक्ट करता है. ठीक है, फोर्स एग्जर्ट करता है. दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो गया, जो वो फोर्स एग्जर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, टू शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. वे नॉन कॉन्टैक्ट क्यों है, टू इन्फ्लेटेड बलून ले लिए, एक ड्राई क्लोथ ले लिया, टेक टू इन्फ्लेटेड फूले हुए बलून्स हैं और उनकी जो सरफेस है उसको ड्राई क्लोथ से हमने रब किया फॉर द टू मिनट्स, स्टैंड बिलो द बलून, बलून के नीचे रहोगे तो अब क्या हो गया, बलून चार्ज हो गया. बलून के नीचे जाओगे तो नोटिस व्हाट हैपन्स टू योर हेयर, द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, थोड़े थोड़े जो हेयर है गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बलून एंड स्टार्ट राइजिंग, ऊंचे उठने लग गए. व्हेन द इन्फ्लेटेड बलून्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब आपस में रब करते हैं, दे डेवलप स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, उनके अंदर फ्रिक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज बलून्स आर ब्रॉट नियर द हेयर, दे अट्रैक्ट द हेयर टुवर्ड्स देम, तो वो हेयर को अट्रैक्ट कर लेते हैं. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द बलून अट्रैक्ट द हेयर स्ट्रैंड फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट. अब वो जो बलून्स है वो कॉन्टैक्ट में तो आए नहीं, दूर हैं, फिर भी उन्होंने हेयर को अट्रैक्ट कर लिया. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. तो ये हो गए हमारे मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब नो मोर, ये बहुत एक अच्छी सी चीज़ है जो माइंड को खोल सा देती है, अच्छा ऐसा होता है. सो फ्यूल टैंकर्स ऑफ्टन हैव अ मेटल चेन्स ट्रेलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड बिहाइंड दैम एज अ सेफ्टी मेजर, कि जो फ्यूल टैंक्स होते हैं उन पर मेटल चेन्स लगी होती है ना, बिहाइंड दैम एज अ सेफ्टी, उनके पीछे पीछे उसके सेफ्टी मेजर्स के लिए. वाई, द फ्रिक्शंस बिटवीन द ड्राई एयर एंड द मूविंग व्हीकल कैन डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन द व्हीकल. अब अगर उसके ऊपर क्या है, हमने मेटल चेन्स लगा रखी है, क्या होता है जब कोई फ्यूल टैंक क्या, जिसमें फ्यूल भरा हुआ है बहुत ज़्यादा है, जब वो मूव करता है तो विंड और उस फ्यूल टैंक के बीच में फ्रिक्शन होता है,
फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके ऊपर मेटल चेन्स लपेटी जाती हैं। अब बिल्डअप ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द व्हीकल कैन रिजल्ट इन अ स्पार्क दैट कुड इग्नाइट द कार्गो, इग्नाइट होते जलना। द मेटल चेन क्विकली पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब क्या होता है, अर्थ क्या होती है, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर खींचती है, ले लेती है। तो जब ग्राउंड पे हम मेटल चेन्स लगा देंगे उनके व्हीकल्स के, तो क्या होगा, जो भी चार्ज आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वो मेटल चेन्स के थ्रू, क्योंकि वो तो ग्राउंड को टच कर रही हैं, वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि व्हीकल जो है वो सेफ रहेगा। ओके, नाउ कम टू द अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी अर्थ का फोर्स है, ग्रेविटेशन। कोई भी चीज़ हम ऊपर खींचते हैं नीचे आ जाती है, दिस इज़ अ ग्रेविटी, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अर्थ कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी कर रही है, ऊपर बॉल फेंकी फिर भी उस पर एक्ट कर रही है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट सेंटर, सेंटर की तरफ खींचती है अर्थ, इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंपली ग्रेविटी। दस फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जिस इस फोर्स की वजह से क्या होता है, सारे के सब सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ की तरफ गिरते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो उसने किया ही नहीं। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर इन एयर वाटर ऑन द ग्राउंड। जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हवा में है, पानी में है या लैंड पर है, कहीं पर भी है अर्थ उसको खींचती है थ्रू इट्स ग्रेविटी। अब एक बात आती है स्प्रिंग बैलेंस की, एक स्प्रिंग बैलेंस होता है और स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एक स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है। और स्प्रिंग बैलेंस हैज़ अ स्प्रिंग, एक तो उसमें स्प्रिंग होता है एंड अ स्केल विद द पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग। एक पॉइंट होता है जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ टू बी मेजर्ड इज हंग एट द हुक अटैच टू द स्प्रिंग। तो उस हुक से हम अटैच कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को जो कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड। अब क्या होता है, एक सेकेंड, जैसे कि हम यहाँ पे कोई मैंने कोई सामान एक बैग में डाल दिया, उसको यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें वेट है, इस बैग में वेट है, तो क्या होगा, ये इस हुक को नीचे की तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगी, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है पॉइंटर, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। ये मूव्स डाउन, द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल इंडिकेट्स द वेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ये वेट लिखा हुआ है, तो जहाँ पॉइंटर आके रुक जाएगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मतलब उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा सेशन था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द प्रेशर, तो आपको बिल्कुल फ़र्क पता चल जाएगा कि फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। होपफुली आप फोर्स को तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो, उसके टाइप्स को समझ गए हो, है ना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोस गाइस, मैं देख रही हूँ ओनली 23-24% स्टूडेंट्स ही आके सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सारे देखते हैं वीडियोस और चले जाते हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो अगर आप देख रहे हो पढ़ रहे हो सो काइंडली सब्सक्राइब, एंड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो लाइक भी करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, थैंक यू सो मच।